अच्छा दिखना, अच्छा दिखना, फोटो खींच के मुस्कुराना और फिर चूना लगाना, बाकी सब छोड़ दे विपक्ष। हमको ये बतला दे कि तुम्हारा नेता कौन है। कांग्रेस का जो कर्नाटका में हाल चल रहा है, तो दिल्ली में हगिंग, केरला में बेगिंग, कर्नाटका में थगिंग। उन्होंने पहली बार मुस्लिम लीग का अपना झंडा छुपाया। यहाँ पर फ्लैग छुपाओ, उत्तर भारत में जाके मंदिर मंदिर हुआओ, ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी। हिंदुस्तान को पहले भी लोग धमकी दे चुके हैं, वो नहीं टिक पाए हिंदुस्तान के सामने, तुम क्या चीज हो। जब भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता हर्ष और उल्लास के साथ कहता है अब की बार, तो जनता जनार्दन से ही आवाज उठती है अब की बार। ये विशेष रूप से इंडी अलायंस के उन नेताओं को आपका मुंह तोड़ जवाब है, जिन लोगों ने ये दुस्साहस किया और कहा कि मोदी तो अकेला है, ना घर है ना परिवार है। आप जैसे नागरिक ही मोदी का परिवार है, मोदी की ताकत है, मोदी की प्रेरणा है। हमारे बड़ों ने लाइसेंस का राज देखा, हमारे बड़ों ने ऐसा कालखंड भी देखा जब अगर फोन चाहिए या सिलेंडर तो किसी नेता का परिचय होना जरूरी था। और इसलिए आज युवा पीढ़ी से कह दूं, जितने वरिष्ठ यहां बैठे हैं वो नहीं चाहते कि उन्होंने जवानी में जो भोगा वो तुम भोगो, और इसीलिए उन्होंने संकल्प लिया है कि जो राष्ट्र को पूर्ण रूप से विकसित करने का संकल्प लेता है, हमारा वोट उसको जाएगा, और उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र दामोदर दास। हम मानकर बैठे थे जब कांग्रेस के एक दिवंगत नेता ने प्रधानमंत्री के पद पर यह ऐलान किया कि दिल्ली से एक रुपया निकलता है तो गांव तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसा हो जाता है। बड़ों ने ये विष पी लिया था, ये मान लिया था कि अगर कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री के पद पर ये स्वीकार करती है कि 90 पैसे खाने वाले कांग्रेस के ही नेता हैं। फिर नरेंद्र मोदी प्रधान सेवक बने और उन्होंने संकल्प लिया कि भारत की तिजोरी से रुपया अगर निकला तो गरीब के खाते तक पूरा का पूरा रुपया जाएगा, और इसलिए देश के इतिहास में जो कभी ना हुआ वो मोदी ने कर दिखाया, और 40 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों का जीवन में पहली बार बैंक का खाता खुला। और मेरा सभी महिलाओं से विशेष आग्रह है, अगर हम चाहते हैं कि महिलाओं को कोई राजनीति में गंभीरता से ले तो गंभीर राजनीतिक मुद्दों पर अपना ध्यान आकर्षित रखें। सास बहू का सीरियल जिंदगी की असलियत से कोसों दूर है। जो जिंदगी की असलियत को समझे और गंभीर रूप में राजनीतिक कार्यक्रम में भाग ले, उसी महिला का सामाजिक और राजनीतिक जीवन आगे चलकर सफल है। दीदी अगर ये करना है तो फिर मैं भाषण बंद कर देती हूँ, फोटो ही खींचते हैं फिर। फोटो खींच खींच के मुस्कुरा मुस्कुरा के गांधी खानदान ने ऐसे ही लूटा है देश को। अच्छा दिखना, अच्छा दिखना, फोटो खींच के मुस्कुराना और फिर चूना लगाना। इस बार कांग्रेस पार्टी के नामांकन में एक अलग छवि दिखी। उन्होंने पहली बार मुस्लिम लीग का अपना झंडा छुपाया। और मुझे आश्चर्य यह हुआ कि अब तक तो डंके की चोट पर मुस्लिम लीग के साथ झंडा फहराते थे, पहली बार संकोच हुआ है मुस्लिम लीग के साथ झंडा फहराने में। फिर मैंने सोचा ऐसा क्यों किया होगा, फिर ध्यान आया उत्तर भारत में चुनाव बाकी है, यहाँ पर फ्लैग छुपाओ, उत्तर भारत में जाके मंदिर मंदिर हुआओ, ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी। क्या आप सोच सकते हैं कि वायनाड में कांग्रेस का प्रत्याशी बैंड आतंकवादी संगठन के नेताओं के समर्थन से चुनाव लड़ रहा है,
और ये बहुत गंभीर बात है। आतंकवादी संगठन के राजनीतिक नेताओं ने ऐलान कर दिया केरल में कि वो कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने उनका समर्थन स्वीकार कर लिया है, उनका समर्थन का बहिष्कार राहुल गांधी ने अब तक नहीं किया है। और ये वो व्यक्ति है जिसने दिल्ली में कहा था एक यूनिवर्सिटी में जाकर कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस नारे का उन्होंने समर्थन किया था। दुस्साहस देखिए कि अपना चुनाव लड़ने के लिए, अपना चुनाव जीतने के लिए अब आतंकवादी संगठन का भी वो समर्थन ले सकते हैं। इसलिए चुनाव को गंभीरता से लें, आपका एक एक वोट उनको मुंहतोड़ जवाब होगा। अगर आज मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि हिंदुस्तान को पहले भी लोग धमकी दे चुके हैं, वो नहीं टिक पाए हिंदुस्तान के सामने, तुम क्या चीज हो। उन्होंने आज मैनिफेस्टो जारी किया है और मैनिफेस्टो में लिख दिया है कि जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड वो पूरी तरह से रिस्टोर करेंगे, लेकिन दबे शब्दों में ये कहते हैं कि अगर उनके पास सत्ता आ गई तो धारा 370 जो हमने हटाई वो लौटा देंगे। मतलब मोदी कहे कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश एक है, राहुल गांधी कहे नहीं। इसलिए आज आपसे निवेदन करने आए, नरेंद्र मोदी मैनिफेस्टो नहीं संकल्प पत्र जारी करते हैं, जो कहते हैं वो कहा धारा 370 हटाएंगे, हटाई, कहा 33% महिलाओं के लिए आरक्षण लाएंगे, लाए, और कहा संविधान की मर्यादा में भव्य राम मंदिर बनाएंगे। राम की भी लीला अपरंपार है, जिस खानदान ने लिखकर एफिडेविट में लिख दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, जिस खानदान ने भगवान के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकरा दिया, उसी खानदान के लोग इंडिया लायंस की मीटिंग में कह रहे हैं भगवान राम से सीखे वाह। बाकी सब छोड़ दे विपक्ष, हमको ये बतला दे कि तुम्हारा नेता कौन। हमको ये बतला दे तुम्हारी नीति क्या, नियत क्या है, ये दुनिया जानती है। आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सभी कार्यकर्ता डंके की चोट पर कहते हैं कि हमारा नेता नरेंद्र मोदी, हमारी नीति सशक्त भारत, और हमारा जो नियत है, हमारा जो संकल्प है वो है 2047 तक पूर्ण रूप से भारत को विकसित बनाना, और आगे 3 साल में भारत को तीसरी बड़ी सबसे इकोनॉमी बनाना। और आज जो कांग्रेस का जो कर्नाटका में हाल चल रहा है, तो दिल्ली में हगिंग, केरला में बेगिंग, कर्नाटका में थगिंग, ये हाल है। इसीलिए उनकी नजर आपकी तिजोरी पे है, आपकी नजर ईवीएम पे कमल के बटन पर रहनी चाहिए। मैं यही निवेदन आपके मध्य में लेकर आई हूं, जाकर पोलिंग वाले दिन कमल का बटन दबाएं, पुनः नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद आप दें। आज यही निवेदन आपके चरणों में अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की जय।